मुस्कुराहटे बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबीउल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरुल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम प्यारी कन्या के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीदी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियाँ होंगी जो उन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम जिसका नाम है प्यारी कलियाँ। प्यारी बच्चियों और किड्स हिंदी चैनल के नाज़रीन, क्या आपको पता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी बच्ची ने अपनी किसी सहेली का दिल दुखाया है तो उन्हें जाकर अपनी सहेली से सॉरी करनी चाहिए और अल्लाह पाक से भी इस बात की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हदीस पाक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को बिला वजह ईजा दी यानी तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे ईजा दी यानी तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा दी। यहाँ ये कहना भी बहुत जरूरी है कि जब भी अपनी किसी गलती पर किसी इंसान से सॉरी करें तो सच्चे दिल से करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ जबान से तो सॉरी बोल दें लेकिन दिल में उस सॉरी को एक्सेप्ट ना करें। या फिर अल्लाह पाक से जब भी इस्तिग़फ़ार करें तो दिल से तौबा करें और ऐसा ना हो के दिल में खुद को गुनाहगार ना माने और सिर्फ ज़बान से ही अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते जाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मरते वक्त भी तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, स्पेशली हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें। इसमें हमारे साथ होंगी नौसेबा। तो चलते हैं नौसेबा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नुसैबा है और अच्छी अच्छी बातें के सेगमेंट में मैं आज बात करूंगी तारीफ के बारे में। प्यारी बच्चियों, अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर हमें पता चले कि कहीं हमारी या हमारे किसी काम की तारीफ हुई है तो हमें बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी तारीफ वहाँ किन अल्फाज में हुई, कैसे हुई या कौन कर रहा था, यानी कि हमें इस बात की पूरी डिटेल जानने की ख्वाहिश होती है। कुछ लोगों को तो अपनी तारीफ सुनने का बहुत ही शौक होता है। प्यारी बच्चियों, तारीफ कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं तो हमें और अच्छे अच्छे काम करने का दिल करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की ही फिक्र में लग जाए तो फिर यही तारीफ हमारे लिए बुरी भी हो सकती है। वो इस तरह के फिर हम अल्लाह पाक के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे बल्कि तारीफ के लिए काम करेंगे। इसके अलावा लोगों के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर इंसान में इस बात का एहसास भी पैदा हो सकता है कि वो दूसरों से बेहतर है, और ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि यही चीज इंसान को तकब्बुर तक ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान मगरूर हो जाता है और तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। तकब्बुर वो कुनहा का काम है जो सबसे पहले शैतान ने किया और
इसी बुराई की वजह से उसने अल्लाह पाक की नाफरमानी भी की और हमेशा के लिए तबाह बर्बाद भी हुआ। इसलिए अपनी तारीफ सुनने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर अपनी तारीफ सुनने का शौक ना हो फिर कोई तारीफ करते तो अपनी जायज तारीफ सुनने में हर्ज नहीं, जैसा कि बुजुर्गान दीन के सामने उनकी तारीफें की गई हैं, लेकिन उन लोगों ने मना नहीं किया। इसी तरह का एक वाकया मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि एक बार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बुजुर्ग हाजिर हुए और बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनकबत पढ़ी, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि इरशाद फरमाया, मौलाना मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? अपने बहुत कीमती इमाम शरीफ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर इस इमामे को पेश करूं तो ये इमाम आपकी शान के लायक भी नहीं, लेकिन मेरे कपड़ों में सबसे कीमती एक जुप्पा है, वो पेश कर देता हूँ। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से लाल रंग का वेलवेट का चुप्पा मुबारक लेके आए और वो उन बुजुर्ग को पेश कर दिया। अल्लाह पाक हमें अपनी तारीफ सुनने की आदत से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें क्रूर से बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा। नौसेबा, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। सुहाब, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी मिशकात और वसीला, और ये हमें बताएंगी कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है डूज एंड डोंट। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। मेरा नाम मिशकात है। और मेरा नाम है वसीला। आज हम अपने सेगमेंट में सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जानेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। खाना खाते वक्त रोटी के जो टुकड़े दस्तरखान पर गिरते हैं हमें उन्हें उठाकर खा लेना चाहिए। ऐसे पल जिन्हें छिलकों के साथ खाया जाता है हमें उन्हें छिलकों के बगैर नहीं खाना चाहिए। हमें पढ़ाई और इबादतों के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज भी अपनानी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, हमें लड़ाई और झगड़े से जितना हो सके दूर रहने की और बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरी बातों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज को, खास कर खाने पीने की चीज को जाया नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लास में अच्छी बच्चियों को ही अपना दोस्त बनाएं। हमें डिम लाइट में यानी बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। प्लेट में खाना उतना ही निकालना चाहिए जितना खाना हो और खाना बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उसे माफ कर देना चाहिए। आज हमने कुछ डूज सीखे जो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ डोंट्स के बारे में जानने की कोशिश की ताकि हम उनसे बच सके। अल्लाह पाक हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और जो कुछ भी हमने सीखा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी हुरुलैन और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह पाक ने एक ऐसे रेगिस्तान को जहां दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था और कोई भी वहां रहने का सोच नहीं सकता था, कैसे आबाद किया। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान इस शहर की जियारत करने जाते हैं।
मैं बात कर रही हूँ मक्का शरीफ की, जहाँ हर साल मुसलमान हज और उम्रे के लिए जमा होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल हुई कि आप अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ बीबी हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह छोड़ आए जहाँ खुश्क पहाड़ियों और रेगिस्तानों के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर चले और उस जगह के पास ले आए जहाँ अब काबा शरीफ है। यहाँ उस वक्त कोई नहीं रहता था क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। थोड़ी खजूरें और कुछ पानी वहाँ रख कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। कुछ ही दिनों में खजूरें और पानी खत्म होने पर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, शदीद भूख और प्यास लगी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से तड़पने लगे। तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश में वहाँ मौजूद सफा और मरवा की दोनों पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाए, मगर उन्हें दूर दूर तक पानी नहीं मिला। हज के दौरान सफा और मरवा पर सात चक्कर जो हाजी लगाते हैं, वो बीबी हाजरा की ही सुन्नत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शदीद प्यास की वजह से अपनी एरिया जमीन पर रगड़ रगड़ कर रो रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास जमीन पर अपना पैर मार कर एक चश्मा जारी कर दिया, जिसे आज हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो कुछ लोग बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से यहाँ आकर रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मक्का शरीफ आबाद होना शुरू हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की कंस्ट्रक्शन करने का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से खाने काबा को तामीर फरमाया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और मक्का शरीफ के रहने वालों के लिए एक दुआ की, जिसका जिक्र कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है। जैसे कि सूरह इब्राहिम में आपकी इस दुआ का कुछ हिस्सा इस तरह बयान किया गया है। तर्जमाए कंजुल इरफान, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें खेती नहीं होती, ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखे, तो तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से इश्क अता फरमा ताकि वो शुक्र गुजार हो जाए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हुज़ूर, आपने मक्का शरीफ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के बारे में बहुत अहम बातें हमें बताई। तो प्यारी बच्चियां, वक्त हुआ है हमारे कलरफुल सेगमेंट का। इस सेगमेंट में होती हैं मजे मजे की पोएम्स, और इस सेगमेंट को हमारे लिए लीड करेंगे खदीजा। तो चलते हैं खदीजा के पास हमारे सेगमेंट खिलती नज़्में में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मगरूर दरख्त की कहानी, मगरूर दरख्त की कहानी। एक जंगल में से बरनी का दरख्त था, एक जंगल में से बरनी का दरख्त था। सेब का दरख्त मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियाँ आईं, उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा तो बोली, चलो इस दरख्त पे अपना घर बनाते हैं। मक्खी नीम के दरख्त के पास गई, बोली, भाई कहीं बनाने दो, नहीं तो मुझे घर नहीं बना सकती, जाओ जाओ। सेब का दरख्त ये सब देख रहा था, उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी हैं, कई परिंदे आप पे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो ना। ये सुन के नीम का दरख्त गुस्से से बोला,
मैं नहीं बनाने दूंगा, तू मेरे माता है तो जाओ बनवाओ। सेब का दरख्त मक्खियों से कहता है, परेशान मत हो मेरे ऊपर घर बना लो। मक्खियाँ खुश हो जाती हैं और सेब के दरख्त पे घर बना लेती हैं। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में कहीं से आ निकला, सेब का दरख्त देखा तो सोचा इसको काट के बेचूंगा, खूब पैसे मिलेंगे। जैसे ही दरख्त के पास गया, देखा मक्खियों का छत्ता है। ओहो हो, अगर इस दरख्त को काटा तो मक्खियाँ मुझ पर हमला कर देंगी। उसकी नजर फिर नीम के दरख्त पे पड़ी। वाह, ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई मक्खियों का छत्ता भी नहीं है। ये सोच के जैसे ही उसने दरख्त काटा तो नीम का दरख्त चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सेब के दरख्त ने उसे तकलीफ में देखा तो शहद की मक्खियों से कहा, तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने लकड़हारे पर हमला किया और उसे भगा दिया। नीम का दरख्त मक्खियों का शुक्रिया अदा करने लगा। मक्खियों ने कहा, ये एहसान सेब के दरख्त का है, उसी ने हमें भेजा है। फिर नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबसे शर्मिंदा हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पे रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। खतीजा, आपने हमें बहुत मजे की पोयम सुनाई। उम्मे रुमान, इसके अलावा भी बहुत सारी पोयम्स हैं जो किड्स अर्निंग चैनल के यूट्यूब चैनल पर टूडी एनिमेशन के साथ मौजूद हैं। और बच्चे इन पोयम को पसंद भी करते हैं, खास कर छोटे बच्चे। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है आपके वीडियो मैसेज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट प्यारी प्यारी वीडियो। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। आंखों का तारा मैं मोहम्मद, दिल का उजाला मैं मोहम्मद, हस्बी रब्बी जल्ला हुआ मा फी कल्बी गैर हुआ, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग
पसंद है। तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में हर इलाके की अपनी तारीख है, जिससे बहुत से किरदार बादशाह और बुजुर्गाने दीन जुड़े होते हैं, जिनके जिक्र के बगैर इनकी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसी तरह से इनकी तारीख में जब तक सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ बताई रहमतुल्लाह अलैह की बात ना की जाए तो इनकी तारीख पूरी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे हजरत शाह अब्दुल लतीफ बताई रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बताई रहमतुल्लाह अलैह 1101 हिजरी में पैदा हुए, जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 1689 बनता है। जहां आप पैदा हुए वो जगह हैदराबाद सिंध में मटियारी के करीब एक गांव है, जिसका नाम आजकल हाला है, लेकिन उस वक्त इसे हाला हवेली के नाम से पुकारा जाता था, जो शॉर्ट होकर सिर्फ हाला रह गया। शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का नाम सैयद हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आज रहमतुल्लाह अलैह के घर वाले अफगानिस्तान से हिजरत करके सिंध में आए थे और फिर यही आबाद हो गए थे। बचपन में अरबी की तालीम आज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अम्मी जान से हासिल की और फारसी और सिंधी आज रहमतुल्लाह अलैह को आपके अब्बू जान ने सिखाई। आज रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही तन्हाई पसंद थे, किसी दरख्त के साए में बैठकर पूरा दिन अल्लाह पाक का जिक्र किया करते थे और हमेशा आज रहमतुल्लाह अलैह की जुबान पर अल्लाह पाक का जिक्र रहता था। आज रहमतुल्लाह अलैह दिखने में खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। आज रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा नूरानी, आज रहमतुल्लाह अलैह का कद दरमियाना था, लिबास हमेशा सादा ही पहनते थे। जिस वक्त आज रहमतुल्लाह अलैह ने बेट शाह में घर बनाया, वहाँ कोई आबाद नहीं था, सिर्फ वहाँ रेत के टीले यानी ढेर लगे हुए थे। इस इलाके का नाम बेट शाह भी इसीलिए पड़ा क्योंकि बेट रेत के टीलों को कहते हैं। इन रेत के टीलों के नजदीक साफ पानी का एक तालाब था, जिसको कराए झील कहते थे। आज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद मीलों का सफर करके दूर दूर से आज रहमतुल्लाह अलैह की रियायत करने आते थे और देखते ही देखते ये सुनसान इलाका एक खूबसूरत बस्ती में तब्दील हो गया। 1731 में आज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का इंतकाल हो गया। अपने इंतकाल के वक्त आज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान ने आज रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत की के ए लतीफ, अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के फिक्र से कभी जुदा नहीं करना, अल्लाह के लिए ही जीना। आज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्बू जान की नसीहत पर सारी जिंदगी अमल किया। शाह अब्दुल लतीफ बताई रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1465 हिजरी में हुआ और आपका मजार शरीफ बिट शाह में है। अल्लाह शाह अब्दुल लतीफ बताई रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करने और अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक की रजा के लिए गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह खैरा। फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जजा अता फरमाए। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इनमें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल प्यारी बच्चियों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को यहीं खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा। और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह। मुस्कुराहटे बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।